हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूँ सोनिया और ये है दीपक। हम लेके आए हैं एक और नई वीडियो और ये वीडियो होगी हमारी लव स्टोरी पर और एजुकेशन पर। तो उससे पहले मैं दो काम करने हैं। क्या? पहला काम तो मेरे को भूख लग रही है, भुक्कड़ अकेली अकेली खाना खा लेती है, मेरे को बताया तक नहीं इन्होंने। बताया था मैंने, बताया होगा, लेकिन मैं थोड़ा बिजी था काम में, तो मतलब रुक नहीं सकते थे थोड़ी देर। मेरे को भूख लग रही थी भाई बहुत तेज। तो मैं आप खाना तभी खाऊंगा जब अपने हाथ से खिलाओगे आप। और दूसरा काम है, आज हम लोग वीडियो बनाने से पहले थोड़ा तैयार होने की सोच रहे हैं, तो कपड़े वपड़े चेंज करने की सोच रहे हैं, थोड़ा रेडी हो जाए, तो बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए इनको, ये तो ना अच्छे लगते हैं, मैं तो आतंकवादी लग रहा हूँ, मेरे को पता है ये अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने डिसीजन किया था आज कि आज हम थोड़ा रेडी होकर वीडियो बनाएंगे। तो देखो, वीडियो के साथ जुड़े रहो। तो आज हमारे घर पे भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी घर वालों ने, तो वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए घर पे नमकीन पड़ी हुई थी, उसमें थोड़े से प्याज और हरी मिर्ची काट के लाया हूँ, तो सोने जी खिलाएंगे। बहुत दिनों बाद इनके हाथ से खाना खाने को मिलेगा, वो भी वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ। मेरी उंगली काट लेते हैं, इसलिए मैं निकला थी। झूठी एक नंबर की, ये औरत सरासर झूठ बोलती है। अच्छा, नहीं नहीं सच बोलते हो, अच्छे से खिलाओ। चलो, आप लोगों को बोर नहीं करते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्लॉग किस चीज का था और ये किस चीज का वीडियो बनाने लग गए, तो अब ये वीडियो यहीं रोकते हैं। और जो मेन मुद्दे की बात थी, नहीं नहीं उससे पहले तो हम लोग अभी रेडी होंगे, वो भी दिखाना है, तो उससे बोर मत हो ना आप। तो ये देखो, सोनिया जी रेडी हो रहे। आज इनको मैंने बोला है कि आप सूट पहन लो, तो ये सूट पहने, मैंने नहीं बोला, मतलब इनका मन था, तो इन्होंने मेरे को बोला कि सूट पहना, मैंने कहा पहन लो जो आपकी इच्छा हो। तो बहुत दिनों बाद सूट पहन रहे हैं, इसलिए आज थोड़ा एक्साइटेड भी है। सोनिया, हाँ? कौन अच्छा लगेगा, आप या मैं? मेरे को पता है फैन फॉलोइंग आपकी है, लोग आप ही को अच्छा बताएंगे, भैया हम जैसे गरीब आदमी को कौन अच्छा बताता है। तो हम लोग तैयार होके आ चुके हैं, तो बताओ दोनों में से अच्छा कौन लग रहा है? मैं लग रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ग्रेजुएशन में बात कर लेते हैं, तो दीपक बताएंगे पहले इनकी। हाँ, तो मेरी ग्रेजुएशन की बात की जाए तो मैंने मतलब फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास तक हमारे गांव में एक स्कूल थी, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल थी, तो मैंने वहाँ पढ़ाई की है। फिर उसके बाद गांव से जो 3-4 किलोमीटर दूर है वहाँ एक स्कूल थी, आर्य दयानंद उच्च प्राथमिक आर्य दयानंद विद्यालय बंथली, मैंने वहाँ पढ़ाई की है 8th क्लास तक। और फिर 9th और 10th फिर मैंने वापस और सरकारी स्कूल से किया है जो बंथली में ही था। फिर 10th क्लियर होने के बाद, मतलब जो हमारी पंचायत थी उसमें ओनली 10th तक ही स्कूल था उस टाइम, तो फिर मैंने अपनी जो पढ़ाई आगे की वो दूनी, जो हमारे गाँव से 8-10 किलोमीटर दूर है, वहाँ से पढ़ाई कम्प्लीट की है। फिर कॉलेज भी मैंने अपने गांव से 5-6 किलोमीटर दूर है सरोनी मोड़, वहाँ से कॉलेज अपनी कंप्लीट की है। तो मेरी ग्रेजुएशन है, मैंने अभी तक बीए क्लियर किया है, इसके आगे कुछ भी डिप्लोमा नहीं लिया है अभी तक। तो अब सोनिया जी बताएं कि इनकी ग्रेजुएशन के बारे में, इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की है? मैंने फर्स्ट से ही, मतलब फर्स्ट शुरू में तो आते ना प्रेप वगैरह वो आते LKG, तो 3 साल तो उसमें निकल जाते हैं। तो फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक मैंने प्राइवेट में की थी, और फिर 9th से गवर्नमेंट में, हमारे गांव में थी स्कूल। अच्छा, अभी मैं फर्स्ट ईयर में होती हूँ वैसे तो, लेकिन बीच में क्या 1 साल का गैप हो गया, तो इस वजह से भी 12th की दी है, अब फर्स्ट ईयर में आई हूँ मैं। हाँ, और 12th में
ये फर्स्ट विजन पास हुए हैं। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, हाथ मिलाइए, बहुत बहुत बधाई आपको फर्स्ट विजन आने के लिए। तो अब हम लोग करते हैं हमारी लव स्टोरी के बारे में बात। तो कमेंट्स में बताना कि कौन कौन थे जो जानना चाहते थे हमारी लव स्टोरी के बारे में, क्योंकि हमने बहुत सारे कमेंट्स देखे थे कि आपकी लव स्टोरी के बारे में बताइए, आपकी ग्रेजुएशन के बारे में बताइए। तो हमने आज डिसाइड किया कि आज हम ये वीडियो बनाने वाले हैं, तो अपनी जो लव स्टोरी है और ग्रेजुएशन के बारे में ज़रूर बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं, लव स्टोरी स्टार्ट कहाँ से हुई, कैसे हुई। मतलब ये बात जब मैं क्रिकेट खेलने जाता था, मतलब हमारे गांव में क्या टूर्नामेंट होते हैं जैसे दूर दूर गांव में, तो एक बार मैं क्रिकेट खेलने गया था तो मैंने इनको फर्स्ट टाइम वहां देखा, हमारे गांव, इनके गांव। तो मैंने देखा तो ये सच्ची में, जब मैंने पहली बार देखा इनको तब मेरे को बहुत ही अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। तो मैं तो बिल्कुल देखने के बाद शौक था इनको, मैंने कहा यार क्या लड़की। वो मतलब जो पहले रहती है ना लड़कों की, उसमें तो मैंने कहा यार, तो फिर मैं दिमाग से मैंने निकाल दिया था वो चीज़, मैंने देखने के बाद क्या हाँ निकल गए यार। तो फिर मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों कभी मिलेंगे, ये मेरी लाइफ में आएंगी, कभी मेरी पत्नी बनेगी। कुछ दिनों बाद मैं एक फंक्शन में गया, तो मतलब मेरे दोस्त के वहाँ एक फंक्शन था, तो ये भी वहाँ पर आए थे इनके मम्मी पापा के साथ और इनके एक फ्रेंड के साथ। तो वहाँ आने के बाद मैंने इनको देखा, इन्होंने भी मेरे को उस टाइम जब मैं क्रिकेट खेलने गया था इन्होंने भी देख लिया था, तो मैंने इनकी तरफ स्माइल की तो इन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, मतलब वो एटीट्यूड जो भरा पड़ा होता है लड़कियों में वो दिखावा, तो इन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, फिर एक बार और दिखी, मैं गया लास्ट बार तो एक बार स्माइल कर ही देता हूँ मैं। मैंने स्माइल किया तो इन्होंने भी स्माइल किया नॉर्मली, फिर मैंने हेलो बोला, इन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, तो ये निकल गए। तो फिर मैं वहाँ से आया गाँव से, फिर मैंने पता किया कि इनके एक फ्रेंड है जो मतलब मैं जानता हूँ उनको थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं जानता। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा यार एक बार मेरे को सोनिया से बात करा सकते हो आप, तो उन्होंने मेरे को शौक होकर कहा क्यों क्या काम है, मैंने कहा नहीं नहीं मेरे को कुछ काम नहीं है, बस एक मिनट आप बात करवा दो उनसे। तो फिर मैंने इनको मतलब इनकी फ्रेंड से नंबर लिए इनके, तो मैंने इनको मैसेज पे बोला कि मैं हेलो, तो इन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया, हेलो भेजते ही ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने दूसरे नंबर से ट्राई किया मैसेज का, फिर मैंने दूसरे नंबर से मैसेज भेजा, फिर इनको मेरी फ़ोटो भेजी मैंने डायरेक्टली, तो फोटो देख के पहचान गए यार ये तो वही लड़का है। बहुत सारे मैसेज करते थे पूरे दिन, काम ही रहता था, एक भी मैसेज का रिप्लाई के लिए मैंने एक महीने तक वेट किया था, मैंने एक दो महीने, तीन महीने तक ऐसे ही मैसेज करते थे। हाँ दो महीने ऑलमोस्ट मैंने कंटिन्यू मैसेज किए थे इनको, तब तक भी इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया था। फिर एक बार इन लास्ट में मतलब परेशान हो गए थे, पता नहीं क्या हुए, इन्होंने मेरे मैसेज का जवाब दिया। मैंने इनको बोला कि यार ना आप मेरे को बहुत अच्छे लगते हो, और सच्ची बता रहा हूँ मैं और लड़कों जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो इनके मन में थोड़ी सी सिंपति उठी कि यार लड़का है मतलब। नहीं नहीं बात वो नहीं थी, वो क्या हुआ ये मैसेज मतलब मेरे को ऐसे ट्रीट करते थे कि मैं कोई बच्ची हूँ, छोटी बच्ची, हाय पगलू, मतलब कुछ ऐसे जैसे अपन बच्चों को बोलते ना, तो वैसे बोलते थे, मेरे को बहुत अच्छा लगता था, लेकिन फिर मैं रिप्लाई नहीं करती थी, क्योंकि क्या पता यार बोलने में से पता नहीं कैसे निकले। सही है, फिर धीरे धीरे मतलब हमारी नॉर्मली बात होने लग गई, और वो बातें बातें पता नहीं कब प्यार में बदल गई, हम दोनों को पता ही नहीं चला। फिर फाइनली धीरे धीरे रिलेशन में आए हम, काफ़ी टाइम हो गया था। फिर अब जैसे इनके घर वालों को पता चला मेरे बारे में, और मेरे घर वालों को पता चला इनके बारे में, तो मेरे घर वालों थे वो भी एग्री नहीं थे, और इनके घर वाले भी एग्री नहीं थे। फिर टाइम निकलता गया, फिर इन्होंने बोला मेरे को कि आपके हाथ में, आपके घर वालों को मनाना। तो फिर मैंने बोला ठीक है चलो मैं ट्राई करता हूँ। तो मेरे को पता था कि मेरे फैमिली में सब मेंबर मान सकते हैं बस मेरे पापा के अलावा, तो सबसे पहला काम मेरा ये था कि मैं अपने पापा को एग्री करूँ। तो मेरी तो हिम्मत नहीं थी कि मैं डायरेक्टली उनसे बात करूँ,
तो मम्मी को बोलते थे, तो मेरी फोटोज दिखाते थे मम्मी को, मम्मी को मैंने मम्मी को अपनी साइड में कर लिया फिर उन्होंने, मम्मी को और अपने जो फैमिली के जो दूसरे मेंबर्स थे दीदी और को सबको मैंने थोड़ा कन्विंस किया कि आप लोग पापा से बात करो। तो फिर उन्होंने पापा से बात की, तो फिर पापा भी एग्री हो गए थे ऑलमोस्ट, लेकिन इनके घर वाले तो वो एग्री होने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर मैंने एक ट्रिक सोची, इन्होंने मेरे को बोला कि आप ना आपकी जो आपकी फैमिली है ना, मतलब आपके पापा मम्मी पापा, उनसे एक बार बात कराओ रिश्ते की, फिर इनके घर पे मतलब इनके घर पे मतलब इनके फ़ोन किया इनके पापा के, फिर बात की तो उन्होंने वहाँ तो स्टार्टिंग में मना कर दिया था। फिर मैंने इनको बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, लिया तो आप मना लो। फिर इन्होंने लास्ट में ट्राई किया कि इनके पापा को मना लेगा, तो फिर दोनों मान गए, दोनों फैमिली एग्री हो गई और फाइनली जाके हम दोनों की शादी कराने के लिए वो तैयार हुए और जो हमारी लव स्टोरी थी वो पूरी हुई और हम लोगों की 19 अप्रैल को 2019 में दोनों की शादी भी हो गई और हम दोनों पति पत्नी बन गए। और आज भी ये औरत मुझे सताती है। अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे से, सच्ची में बता रहा हूँ। तो हमारी लव स्टोरी यहीं तक थी, स्टार्टिंग से लेकर शादी तक। अगर इस वीडियो में या इस स्टोरी में किसी भी भाई बहन को कुछ भी गलत लगा हो तो उसके लिए हम दोनों की तरफ से सॉरी। और अगर आप सभी को हमारी लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बताना। जरूर बताना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।